हेलो एवरीवन, दिस इज 102 क्वेश्चन ऑफ सीएसआईआर नेट केमिस्ट्री। द क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। जो रिएक्शन है इसमें हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है ए एंड बी। ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई है किससे रिलेटेड है, विटिग रिएक्शन से रिलेटेड है। ये जो एग्जांपल दिया गया है विटिग रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, क्या करता है विटिग रिएजेंट से मिलके मतलब ट्राइफिनाइल फास्फोनियम वायलाइड से मिलके क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। और ट्राइफिनाइल फास्फोनियम फास्फीन ऑक्साइड बनाता है। एल्कीन एंड ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड इसका क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। देखिए ये हमारी क्या है रिएक्शंस है, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या करता है जो ब्रोमीन है वो क्या करता है बाहर निकलता है, क्योंकि क्या है एक लिविंग ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पर क्या अटैच होता है कि ट्राइफिनाइल फास्फोनियम वायलाइड, इसके पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर क्या बना लेते हैं बॉन्ड बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ब्रोमीन क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ये जो सोडियम हाइड्रोजन क्या करता है यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, ले लेता है। इसके बाद ये जो बॉन्ड होता है ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है फास्फोनियम ट्राइफिनाइल फास्फोनियम वायलाइट क्या हो जाता है यहाँ पे अटैच हो जाता है। यहाँ पे फास्फोनियम के ऊपर प्लस चार्ज है और यहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर यहाँ पे अटैच हो जाता है, इसके साथ में ब्रोमीन के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा क्या बनेगा ए प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें रिएक्शन में ये क्या दिया गया है, बीच में हमें रिएजेंट दिया गया है, ये क्या करता है इसके साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर लेती है अपने इलेक्ट्रॉन ले लेती है और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ये क्या, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है यहाँ ऑक्सीजन के पास में बॉन्ड बना लेता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फास्फोनियम पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर फास्फोरस पर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है ये एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं बॉन्ड बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में क्या बन जाता है बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद क्या होता है जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकल जाएगा ट्राइफिनाइल फास्फोनियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है ये जो ब्रोमीन अटैच होता है ये क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है और यहाँ पे बॉन्ड कौन बना लेता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यहाँ पे क्या बन जाता है एक बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे ये देखिए ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट बी। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हुआ, आंसर 4 हमारा सही आंसर हुआ। तो हमारा ए प्रोडक्ट हमारा ये बन रहा था और बी प्रोडक्ट हमारा ये बन रहा है, तो सही आंसर क्या आंसर 4। एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।